हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसका जॉब लोकेशन जो है कोलकाता होगा। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जो है परमानेंट जॉब है, तो इसके रिगार्डिंग जो हम यहाँ पर बात करेंगे, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इन्फॉर्मेशन पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर की। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर इसका क्या है, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसी के बेसिस पे जो आप फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे, देन इसको जो है आपको एड्रेस पे भेजना है। तो किस एड्रेस भेजना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कितना कैसे जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या पोस्ट है। तो पोस्ट का नाम है मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है। ITI के कैंडिडेट जो है यहाँ पर फॉर्म के लिए एलिजिबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कैंडिडेट की यहाँ वैकेंसी है। तो ITI के कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल है, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 14/10/2019 रखी गई है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसी की, देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है ग्रुप सी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में टोटल जो है 21 है, जनरल की 10, OBC के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 1 पोस्ट है। देन MTS टेक्निकल की बात की जाए, जहाँ पे ITI कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे जो है आपका 23 सीट है टोटल, जिसमें से जनरल्स की 10, 4 OBC की, 7 SC की और 2 जो है ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। देन यहाँ पे ग्रुप सी की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखा गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है मैट्रिकुलेशन रखा गया, यानी कि 10th पास रखा गया है। और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी आपका 1800 बेसिक रहेगा, और बाकी HRA DRA वगैरह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देन जो टेक्निकल वाली पोस्ट है उसमें जो है मैट्रिकुलेशन के कैंडिडेट के साथ साथ ITI कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो ITI वाले कैंडिडेट जो हैं, जिन्होंने 2 ईयर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ट्रेड जो है कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, प्लम्बर हो, कोई सा भी ट्रेड जो है यहाँ पर एलिजिबल है। देन यहाँ पे बात किया जाए कि कितना एज लिमिट है, तो 18 लेके 27 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन है, जैसे SC को 5 साल और जो OBC है उनको 3 साल यहाँ पे दिया जाएगा। देन बात की जाए कि क्या सिलेक्शन इसका प्रोसीजर है, तो देखिए सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इसमें आपका जो है रिटन टेस्ट, देन स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो है हो सकता है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो यहाँ पे जो है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह भी दिया जाएगा। इसका जो डिटेल स्कीम एग्जामिनेशन है वो आपको इस वेबसाइट पे जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है बता दिया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की। तो देखिए, फॉर्म की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट जो है आपका कब है, 14/10/2019। इससे पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है, और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है इस वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे, वहाँ से आप जो है डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन फॉर्म को आपको भेजना पड़ेगा, तो भेजना कहाँ पे है वो भी दिखा, तो ये एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पे जो आपको सेंड कर देना है। देन इसको एडवर्टीजमेंट नंबर जो है आपको ये मेंशन करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितना एप्लीकेशन फ़ी आया है। अच्छा, भेजने के साथ साथ आपको एक चीज़ करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एज, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है आपको अटैच करके भेजना है, जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया। एप्लीकेशन फ़ी के लिए देखिए क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लिया जा रहा है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 500, और जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट है, यानी कि OBC और OBC या फिर जनरल, उनके लिए 1000 रुपीज़ का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। और ये जो फॉर्म है इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बनाना पड़ेगा, इन द फेवर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, पेबल एट कोलकाता जो है यहाँ पे आपको इसका ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो ड्राफ्ट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इसके ड्राफ्ट आपको इस एड्रेस पे बनाना पड़ेगा। देन दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने बहुत सारी नई वैकेंसीज बता रखी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारी वैकेंसीज बता रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।